नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। हमारी आज की वीडियो होने वाली है एक विचित्र पत्रकार की। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखते हैं। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, उस कैंप के अंदर आग लग गई थी और उनका पूरी तरह से सामान और झुग्गियां जल गई थी। तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है। 53 फैमिलीज हैं जो टोटल झुग्गियाँ जली थी, और हमने अभी इनको एक महीने का राशन और 10,000 रुपया कैश मैंने दिए हैं। हर एक फैमिली को 10,000 रुपया अपनी चीजें ले लेना। और ये पता कैसे लगेगा? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन रोहिंग्या को भारत में घुसपैठ कराने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। यूपी एटीएस ने गिरोह के 4 मेंबर को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह, इनके पास से भारतीय नागरिकों की तरह आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज मिले। यूपी एटीएस ने खुलासा किया कि एक साजिश के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर आईडी कार्ड के साथ पश्चिमी यूपी के अलग अलग शहरों में बसाया जा रहा था, ताकि चुनाव के वक्त वोट डालकर रोहिंग्या मुसलमान चुनाव को प्रभावित कर सकें। अभी सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि इंडिया में एक दिन में 80 लाख से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। तो एज एन इंडियन ये बात सुन के आपके दिल को कितनी खुशी पहुंची है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जाहिर है कि रवीश कुमार भी हमारे देश के नागरिक हैं, तो उन्हें भी इस बात से इतनी ही खुशी हुई होगी। क्यों, खुशी हुई है ना? नहीं। लीजिए, इनके साथ तो उल्टा रिएक्शन ही हो गया। जब से ये वैक्सीन की खबर सामने आई है, लिब्रानुओं के दिल में एक जलन हो रही है कि हमने तो इतनी कोशिश की, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल रही है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो इसीलिए हमारे रवीश कुमार जो है वो फटाक से 1980 में इंडिया की हालत और भी बेहतर थी यही कह रहे हैं। तो हम लोग ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इंडिया में वैक्सीन को लेकर जो अचीवमेंट हुआ है वो ये सारे लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो जानते हैं कि एक्चुअल में हमारे रवीश कुमार ने कहा क्या। भाई साहब ने ये कहा कि 2012 के फरवरी में पल्स पोलियो के वैक्सीनेशन का जो अभियान हुआ था, उसमें एक दिन में 17 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई गई, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि उस घटना के 10 साल बाद जाकर मोदी सरकार इतना विज्ञापन लगाकर और एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बावजूद एक दिन में सिर्फ 80 लाख वैक्सीन ही लोगों को उपलब्ध करा पाए हैं, और उसको लेकर लोग इतना खुश हो रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। रवीश कुमार ने ये भी कहा कि अगर ये 80 लाख की संख्या 1 करोड़ तक भी पहुँच जाती है एक दिन में, तो भी वो 17 करोड़ की तुलना में कुछ भी नहीं है। और जो लोग पोलियो वैक्सीन ड्राइव को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके लिए ये पैर की धूल की समान भी नहीं होनी चाहिए। और हम सब लोगों को पता है कि मोदी जी के बाद यूपी स्टेट के सीएम योगी जी से इन लिब्रांडुओं की सबसे ज्यादा जलती है। इसीलिए मोदी जी के बाद उन्होंने यूपी सरकार के वैक्सीन ड्राइव को भी जमकर क्रिटिसाइज किया है। रवीश कुमार ने इस बात की भी निंदा की है कि 25% वैक्सीन गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दी है, जहां पर 780 रुपए में ये बिक रहे हैं। सबको पता ही है कि रवीश कुमार एक अनबायस्ड और एकदम इंटेलेक्चुअल पत्रकार है, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जब इस तरह की क्रिटिसिज्म वो करें तो फिर जो फैक्ट्स हैं उनको अपने ध्यान में रख ले, नहीं तो बेवजह आपकी सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई धक्का बुक्की करेगा ना लाइन से आने का, लाइन से लेने का। अब सच्चाई पे फोकस करते हैं। रवीश कुमार के इस फेसबुक पोस्ट के 4 घंटे के अंदर अंदर पोस्ट के नीचे लाखों में रिप्लाईज आ गए और लोगों ने इनको जमकर धोया। सबसे पहली बात तो ये है कि रवीश कुमार ने पोलियो वैक्सीन के साथ कोविड वैक्सीन ड्राइव को कंपेयर किया। पोलियो वैक्सीन 1995 में इंडिया में आई थी और 14 साल लगे पूरे इंडिया को वैक्सीनेट करने के लिए, और जब ये वैक्सीन ड्राइव अपने एंड की तरफ था तभी वो एक दिन में 17 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन मिली। आप सबको शायद पता ही होगा कि 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेट मिल चुका है।
तो जाहिर है कि 2012 में वैक्सीन ड्राइव अपने अंतिम चरण पे थी और कोविड 19 की जो ड्राइव है वो लास्ट 6 मंथ से यहाँ पर शुरू हुई। तो डायरेक्टली हमारे रवीश कुमार जो है वो 14 साल से 6 महीने को कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पोलियो की जो वैक्सीन थी वो 1961 से ही मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल थी, लेकिन इंडिया ने कोविड की वैक्सीन खुद बनाई है। तो आप समझ ही सकते हैं कि पोलियो की वैक्सीन जितनी रेडिली मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन अभी कोविड के जो वैक्सीन बन रहे हैं इमीडिएटली उन्हें यूज किया जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि पोलियो वैक्सीन की तरह इजीली कोविड की वैक्सीन मिलने में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। तीसरी बात यह है कि पोलियो का जो वैक्सीन है उसको लेने के लिए आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्टली जाके इसे ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सेंटर से या किसी भी एनजीओ से, लेकिन कोविड वैक्सीन के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ता है। पोलियो का जो वैक्सीन है वो ओरल वैक्सीन है, उसे कोई भी दे सकता है, चाहे वो कोई नर्स हो या फिर कोई आंगनवाड़ी वर्कर। लेकिन कोविड वैक्सीन को देने के लिए हमें ट्रेन प्रोफेशनल्स ही चाहिए ताकि वो सही तरीके से वैक्सीन को दे पाए। लेकिन ये सारी बातें जो है वो रवीश कुमार के दिमाग से निकल गई, क्योंकि वो मोदी जी की निंदा करने में इतने ज्यादा लीन हो चुके थे। छुटकारा मिले, एक तरह से 21 जून टीका अभियान की नई तारीख बन जाता है। अब यहां से टीका अभियान नई उम्मीद नए सवालों के साथ देखा जाएगा। मैं इसे चांद तारा रणनीति कहता हूं। पहले चांद दिखाओ, कोई कहे कि चांद तो दिख नहीं रहा तो उसे तारे दिखाओ, फिर जब कहे कि तारे नहीं दिख रहे तो उसे चांद दिखाओ, जब कहे कि चांद दिखाना तारा तो उसे आसमान दिखाओ। जैसा मैंने कहा था कि 2014 में ही इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेट मिल गया था, जो कि वैक्सीन के रिलीज होने के 63 इयर्स बाद जाके मुमकिन हुआ। हम आपको 63 इयर्स देने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन उस 63 इयर्स का 5% आप मोदी जी को दीजिए और देखिए वो क्या चेंजेस लाते। और जब आप वैक्सीन ड्राइव की इतनी निंदा कर ही रहे हैं, तो आपके दिमाग से ये कैसे निकल गया कि राजस्थान में वैक्सीन को वेस्ट किया गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और दूसरी बात ये है कि पंजाब में जो नॉर्मल दाम में वैक्सीन मिल रहे हैं उनको दुगने प्राइस में जो बेचा जा रहा है, उसके बारे में भी आपकी टिप्पणी जाननी जरूरी है। एब्सोल्युटली फाइन दिखने की मानसिकता का यह शानदार उदाहरण है। आप गलती से भी ये मत सोचिएगा कि रवीश कुमार का ये पहला मेल्टडाउन है, इसके पहले भी 2020 में ये अदानी के बारे में झूठ बोल चुके हैं। चाहने वालों से कि दूसरे की आवाज मेल्टडाउन हुआ था, आवाज नहीं आती है, इसलिए निसंदेह रफाल का आना बड़ी घटना है। मगर आने का कवरेज इस तरह से ना हो कि सुबह से टीवी पर वो आता ही रहे, एक दिन पहले से आता रहे, पैनलों में लोग वही वही बातें कहते रहे और जिन जगहों पर आम जनता की खबरें होनी चाहिए। और मोदी जी के अगेंस्ट जाने के लिए ये फार्म लॉज के अगेंस्ट जाके भी खड़े हो गए थे, जबकि 2015 में इन्होंने खुद फार्म लॉज में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनसे सिमिलर रिफॉर्म्स की मांग की। लेकिन ये जरूर एक पुरानी पारंपरिक आधार पर ये मंडियां चल रही हैं, जिसको बदलना इतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि इसका आधार भले ही देखने में बाजार जैसा लगता हो, मगर वो सामाजिक आधार है जो अंत में जाकर जब एक राजनीतिक वोट बैंक में बदलता है काफी ताकतवर होता है। भले ही वो संख्या में किसानों के जितना ना हो, लेकिन सामाजिक हैसियत से इतना ज्यादा है कि पार्टियां किसानों को कई बार इग्नोर कर देती हैं और इनकी जय जयकार करती हैं। Stop it. Get some help. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम सारे राइट विंगर यूट्यूब चैनल्स ने मिलके एक कॉमन टेलीग्राम अकाउंट बनाया है जिसका नाम है HYT यूनियन। हम चाहते हैं कि आप सब उस टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ जाएं। उस ग्रुप में आप हम सब से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी बारे में कोई ट्रेंड चलाना हो तो वहाँ भी आप लोग मदद कर सकते हैं, और अगर कोई भी चीज या कोई भी चैनल को रिपोर्ट करना हो तो वो भी डायरेक्शन हम लोग उस चैनल में दे देते हैं। तो बेसिक बात यह है कि आप सब हमारे ये जो कॉमन लड़ाई है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जाइए और HYT यूनियन को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।